ये है कॉस्टिक सोडा और ये जो देख रहे हैं सोडियम ट्राई सोडियम फॉस्फेट और ये है सोडा एस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सोडा एस। और ये है स्प्रिंग जो बोगी से खुल के आया है हमारे पास, बहुत ही गंदा है, इसमें बहुत सारा स्केल लगा हुआ है, कचड़ा फंसा हुआ बहुत सारा। तो इसको किस तरह से सफाई की जाती है और किस तरह से इसका ग्रुपिंग किया जाता है आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये स्प्रिंग खुल के आता है बोगी से, उसके बाद BSS शॉप में भेज दिया जाता है। यहाँ पे आने के बाद इसको सबसे पहले ये बॉस टैंक, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बॉस टैंक है 8000 लीटर कैपेसिटी का, इसको सफाई किया गया है, इसको अरेंजमेंट कर दिया जाएगा इस टाइप से। फिर इसके अंदर तीन तरह का केमिकल डाला जाएगा, जैसे आप देख पा रहे हैं इस बोर्ड में 8000 लीटर वाटर केमिकल्स, ट्राइसोडियम फॉस्फेट, कॉस्टिक सोडा, सोडा एस 112 रेशियो में डाला जाएगा। 8000 लीटर पानी में ट्राइसोडियम फॉस्फेट 100 kg, कॉस्टिक सोडा 100 kg, सोडा एस 200 kg। इसका सोकिंग टाइम 24 आवर है और ड्राइंग टाइम इसके निकालने के बाद हम ओपन एयर में 24 आवर रखते हैं इस टेबल पे। इसके बाद जब ये स्प्रिंग जब साफ़ हो जाता है, साफ़ होने के बाद ये हमारा शॉर्ट ब्लास्टिंग मशीन है, सेंट्रीफ्यूजल, एयरलेस सेंट्रीफ्यूजल शॉर्ट ब्लास्टिंग मशीन है ये, जैसा कि इस बोर्ड में देख रहे हैं। इसके अंदर 15 मिनट के लिए ये स्प्रिंग को डाला जाता है। 15 मिनट के बाद क्या होता है, इस स्प्रिंग का जो पेंट पार्ट है, इसका जो स्केल है, सब साफ़ हो जाता है और ये स्प्रिंग फिर ये चैनल के माध्यम से, जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे चैनल है, चैनल के माध्यम से ये भी एक शॉर्ट रोटरी टेबल शॉर्ट ब्लास्टिंग मशीन है, रोटरी टेबल शॉर्ट ब्लास्टिंग मशीन है। यहाँ पे हम बागन स्प्रिंग का शॉर्ट ब्लास्टिंग करते हैं, ये है बागन स्प्रिंग हमारे पास। इसमें तीन तरह का स्प्रिंग होता है, आउटर, इनर और स्नबर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। शॉर्ट ब्लास्टिंग करने के बाद इसका फ्री हाइट मेजर करके और हाइट के अनुसार से हम इसको कलरिंग करके इसको खाँचा में डाल देते हैं और डिस्पैच WRS में करते हैं, बागन रिपेयर शॉप में, वहाँ पर ये बागन गाड़ी में जाके लग जाता है। तो जैसा बता रहे थे कि शॉर्ट ब्लास्टिंग मशीन से जो हमारा ICF कॉयल स्प्रिंग है, डेमू स्प्रिंग है, वो आता है चैनल के माध्यम से, इस मशीन के पीछे से चैनल के थ्रू वो साफ स्प्रिंग, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं, जब शॉर्ट ब्लास्टिंग करने के बाद स्प्रिंग बिल्कुल साफ़ हो जाता है, पेंट रिमूव हो जाता है उसका और ये लोहा का असली रूप में आ जाता है, असली कलर में आ जाता है। इसके बाद हम मैग्नेटिक क्रैक डिटेक्शन करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसा कि देख रहे हैं मैग्नेटिक क्रैक डिटेक्शन मशीन के ऊपर में कॉइल स्प्रिंग रखा हुआ है, इसमें ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में इसको हम मैग्नेटिक क्रैक डिटेक्शन देखते हैं पूरा स्प्रिंग का, ताकि कहीं क्रैक ना हो। तो रेलवे इस बात को बहुत ध्यान रखता है सेफ्टी से रिलेटेड, तो इस तरह से क्रैक चेक किया जाता है स्प्रिंग का। क्रैक करने के बाद ये चैनल के माध्यम से ये क्रैक 3 मिनट के लिए हम मैग्नेटिक क्रैक डिटेक्शन पे रखते हैं। 3 मिनट के बाद क्रैक चेक होने के बाद ये स्प्रिंग जो क्रैक रहता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, रिजेक्शन के लिए उसको स्टोर में डाल दिया जाता है, रिजेक्टेड स्प्रिंग को। बाकी जो विदाउट क्रैक स्प्रिंग है वो चैनल के माध्यम से हमारे लोड टेस्टिंग मशीन पे आता है। लोड टेस्टिंग मशीन पे हम लोग उसका लोड टेस्ट करता है और लोड हाइट के हिसाब से स्प्रिंग का ग्रुपिंग किया जाता है। इसमें बहुत टाइप का स्प्रिंग है, AC स्प्रिंग, नॉन AC स्प्रिंग, डेमू, DPC, TC, तो ऑल टाइप्स का स्प्रिंग को हम यहाँ पे लोड टेस्ट करके हाइट के हिसाब से चेक करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मशीन में, ये रैम है और ये पिको कंपनी, पिको हाइड्रोलिक प्राइवेट लिमिटेड का ये मशीन है। तो मान लीजिए एक्सल है, नॉन AC एक्सल है, तो इसका कोड होता है A01, स्प्रिंग के ऊपर लिखा रहता है A01। और जैसा कि आप देखिए A01 एक्सल का है, उसका डाया हो गया 33.5 mm और फ्री हाइट हो गया 360 mm। टेस्ट लोड 2000 kg पे टेस्ट करेंगे और उसका एक्सेप्टेबल हाइट जो आएगा 279 से 295 के बीच में आएगा। अगर ये 279 से 284 के बीच में रहता है तो येलो स्ट्रिप मारेंगे
उसकी बैन लगाया जाता है, लूप वायर बांधते हैं, वन लूप बांधेंगे। और ऑक्सफोर्ड ब्लू अगर 285 से 289 आता है तो ऑक्सफोर्ड ब्लू का टू लूप लगाया जाएगा, और फिर अगर 290 से लेकर 295 के बीच में अगर हाइट आता है 2000 केजी देने के बाद नॉन एसी एक्सल पे, तो वो ग्रीन कलर का तीन लूप बांधा जाएगा उसके ऊपर। तो इस टाइप से यहाँ पर हम लूप बांध देते हैं। लूप बांधने के बाद इसका कलरिंग किया जाता है। कलरिंग करने के लिए हमारे चैनल में इस टाइप से प्रोविज़न दिया गया है कि ऑटोमेटिक स्प्रिंग आने के बाद उसके थ्रू जब पास होके आता है तो वो स्प्रिंग कलर होके बाहर निकलता है। कलर होने के बाद ब्लैक जापान पेंट लगाते हैं इसमें। ब्लैक जापान पेंट 35 माइक्रोन का होता है, जिसको अल्कोमीटर से चेक किया जाता है। 35 माइक्रोन का ये देख रहे हैं कलर किया हुआ है। जब ये सूख जाता है, जब ये ड्राई हो जाता है, तो इसके ऊपर जो ग्रुपिंग हम लोग करते हैं हाइट के हिसाब से, उसमें तीन गो ग्रुपिंग किया जाता है। 120 डिग्री के तीन जगह पे इसको किया जाता है, जैसे आप देख रहे हैं इसको तीन जगह पर कलर किया जाएगा। 150 mm का, 50 mm का, और इधर एक 50 mm का। 120 डिग्री पे यानी 360 डिग्री में तीन गो स्ट्रिपिंग दिया जाएगा। तो हाइट के हिसाब से ये येलो स्प्रिंग हो गया, जिसका स्टिफनेस थोड़ा कम रहता है। इससे ज़्यादा वाला का ब्लू, जो तीन स्टिप मारेंगे वो ब्लू हो गया। दो कॉइल बांधा रहता है इसमें, दो गो लूप बांधा जाता है। और इससे सबसे बेस्ट है ग्रीन, जिसका स्टिफनेस बहुत अच्छा होता है, वो जैसे आप देख पा रहे हैं ग्रीन सबसे बेस्ट क्वालिटी का स्प्रिंग होता है, ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन का स्टिफिंग किया जाता है, 50 mm का स्टिफिंग किया जाता है। इसके बाद यहाँ से हम लोग जैसा यहाँ देख रहे हैं बोर्ड लगाया हुआ है एक्सल स्प्रिंग एसी, तो जो स्प्रिंग एसी का है यहाँ पर रखते हैं, बोलस्टर स्प्रिंग एसी का यहाँ पर रखते हैं, और इस टाइप से सबका बोर्ड के हिसाब से हम लोग यहाँ पर सजाते हैं। उसके बाद इसको फिर डिस्पैच किया जाता है और फिर गाड़ी में जाके लगा दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से स्प्रिंग कितना गंदा आया था हमारे पास, और इसको कितना अच्छा तरह से साफ़ करके इसको सारा मेजरमेंट करके चेक करके, क्रैक चेक करके, डेंट मार्क पिट मार्क सारा चीज़ करके सब कुछ निकाल के हम लोग अच्छा स्प्रिंग बना के हम लोग गाड़ी में लगाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा स्प्रिंग का पूरा कि किस तरह से करते हैं। इसे लूप वाइज भी आप देख लीजिए, इसमें कुछ आपको समझ में आ जाएगा कैटेगरी ऑफ स्प्रिंग किस तरह से बांटते हैं। ग्रुप ए है तो वन लूप जो वायर बांधते हैं उसको बोलते हैं, येलो कलर का होगा। ग्रुप बी डालते हैं जिसमें टू लूप बांधते हैं, वो ब्लू कलर का होता है। और जो सी होता है जिसमें सी ग्रुप का होता है, वो थ्री लूप्स बांधते हैं जो ग्रीन कलर का होता है। जैसे आपको एक एग्जांपल देके दिखा रहे हैं, देखिए इसमें आप तीन वायर बांधा हुआ है, 1 2 3, इसका मतलब है ये स्प्रिंग ग्रीन कलर का है और ये सी का है, सी टाइप का है, और थ्री लूप्स बांधा हुआ है, इसका मतलब इसमें ग्रीन कलर का कोडिंग किया जाएगा। इसी तरह से सारा स्प्रिंग का किया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये BSS में क्या होता है, किस तरह से काम यहाँ पे किया जाता है स्प्रिंग शॉप में। और इसका जो मेन है, एक चीज़ और बताना इसमें हम ऐड कर रहे हैं, जो क्रैक डिटेक्शन मशीन है उसमें एक मैग्नेटिक पाउडर केरोसिन ऑयल में डाला जाता है। उसका जो कंसंट्रेशन होता है उस लिक्विड का, वो 0.88 ग्राम पर लीटर डाला जाता है, जिसके डालने से उसमें अगर क्रैक रहेगा स्प्रिंग में, अगर स्प्रिंग में क्रैक है तो वो लाइन की तरफ दिखाई देता है, और अल्ट्रा वायलेट लाइट उसके ऊपर जब गुजारा जाएगा, देखा जाएगा, तो एक रेशा टाइप का आता है, उससे पता चल जाता है। जिसके यूवी लाइट देखिए आप देख रहे हैं लगा हुआ है, यूवी लाइट से ये पता चल जाता है कि उसमें क्रैक है। तो इसका दोनों तरह से क्रैक चेक किया जाता है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल, ताकि कहीं से कुछ छूटे ना और क्रैक ना रहे, जिससे हम रेल में सफ़र करते हैं तो हम काफ़ी सेफ्टी के साथ सफ़र कर सकें। तो इस तरह से इसमें मैग्नेटिक डीमैग्नेटिक दोनों सिस्टम है, और यूवी लाइट दिया जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट है यूवी लाइट को चेक करने का, वो 1000 लूमेन से ज़्यादा इंटेंसिटी होना चाहिए यूवी लाइट का, ये भी एक क्राइटेरिया है इसका। तो इस टाइप से आप मैग्नेटिक क्रैक डिटेक्शन पे आप कॉइल स्प्रिंग को चेक करते हैं, हम लोग चेक करके देते हैं। एक और है स्टील शॉट ब्लास्ट, जिसके अंदर हम लोग शॉट ब्लास्टिंग करते हैं।
कुछ टेक्निकल डाटा है जो आपको बता देते हैं ताकि आपको भी इस चीज़ का पता चले और आइडिया रहे कि किस तरह से काम इसके अंदर रेल के अंदर किया जाता है। ये होता है स्टील शॉट। शॉट ब्लास्टिंग मशीन पे आपको शुरू में दिखाए थे। तो स्टील शॉट जो है, स्टील शॉट का जो यहाँ पे साइज है जिसे देख रहे हैं, बहुत छोटा छोटा साइज है। स्फेरिकल होता है जो 0.5 mm का होता है, कोई कोई 0.3 mm का होता है। तो ये तो रेंज है। तो SS 850, SS 710, SS 350, तो जो रेटिंग बता रहे हैं ये स्टील शॉट साइज है। SS 850 अगर साइज का स्टील शॉट है तो उसका साइज बड़ा रहता है, SS 350 का है तो उसका साइज छोटा रहता है। जबकि यही ग्रिट में, जो ग्रिट का जो कोडिंग किया जाता है इसका सिर्फ उल्टा होता है। ग्रिट में जैसे आप कोडिंग बढ़िएगा तो उसमें साइज उसका छोटा होगा, कोडिंग में वो घटिएगा तो उसका साइज बड़ा होगा। एक्चुअली इसमें नियम है, ग्रिट भी डालना चाहिए इसमें। ग्रिट डाल के करने से थोड़ा सा और सफाई बढ़ जाता है। तो ऐसे ग्रिट के बिना भी हमारे यहाँ जो सफाई किया जा रहा है वो बहुत ही बेहतरीन सफाई हो रहा है विदाउट ग्रिट से भी। ग्रिट डालने से थोड़ा और प्रॉब्लम हो सकता है, मशीन उसके लिए अलग मशीन लगता है। हमारे यहाँ जो है विदाउट ग्रिट वाला जो स्टील शॉट ब्लास्टिंग का मशीन है, इसलिए हम लोग स्फेरिकल स्टील शॉट ब्लास्टिंग का यूज करते हैं। इस तरह से आपने देखा कि स्प्रिंग शॉप में स्प्रिंग किस तरह से साफ़ किया जाता है और किस तरह से रेल में इसको लगाया जाता है, जो आप देखते हैं रेल में कि पीला स्प्रिंग है, ब्लू स्प्रिंग है और ग्रीन स्प्रिंग है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन रेलवे। मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।